इन्हीं विषयों पर आधारित है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे तथा इस पर अपना शोध कार्य जारी रखेंगे। अंत में मैं स्वागत करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रतिनिधियों का, जिनके सहयोग एवं सहभागिता से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में अब मैं अपने सम्मानित एवं श्रद्धेय अतिथियों से सादर निवेदन करती हूँ कि वह हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी द्वारा संपादित दो पुस्तकें प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी एवं नाथ पंत वर्तमान उपाध्याय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन कर आशीष प्रदान करने की कृपा करें। स्मारिका का लोकार्पण करने की कृपा करें। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी द्वारा संपादित दो पुस्तकें प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी एवं नाथ पंत वर्तमान उपाध्याय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का लोकार्पण। भारतीय जीवन मूल्यों, वीर गाथाओं, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रप्रेम को संकल्पित संकल्प गीत हेतु विश्वविद्यालय की बहनें।
अगले क्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि वह अपने विचारों से हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। इस साधना सभागार में उपस्थित सारे छात्र छात्राओं और हमारे वरिष्ठ सामने बैठे हुए लोगों को नमस्कार करता हूँ। आज बड़ी सौभाग्य का दिन है कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोरक्षा पीठाधीश्वर